नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप के न्यू फीचर के बारे में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ व्हाट्सएप का न्यू फीचर, न्यू अपडेट। यहाँ पर दोस्तों हम थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें साइड में एक बारकोड दिख रहा है। ये व्हाट्सएप का न्यू अपडेट है जो कि न्यू बारकोड है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस तरह से पेटीएम और फ़ोनपे की तरह एक बारकोड हमें शो कर रहा है। यहाँ पर ये पहले नहीं था, ये अभी व्हाट्सएप की तरफ से लॉन्च किया गया है। दोस्तों अगर आपके व्हाट्सएप में ये बारकोड शो नहीं कर रहा है और ये QR कोड आपको किस तरह से मिलेगा और इसके साथ ही इस QR कोड से आपको क्या फ़ायदा हो रहा, इस QR कोड का आप कैसे इस्तेमाल कर पाओगे, आज की इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो का एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऑल वाले घंटी पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। दोस्तों हम व्हाट्सएप से रिलेटेड न्यू अपडेट्स के बारे में व्हाट्सएप की वीडियो बनाते रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका यूज बता देता हूँ, आप इसका यूज कैसे कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस बार कोड का एक प्रिंट आउट निकाल लेना होगा। प्रिंट आउट निकाल के दोस्तों अगर आपकी कोई शॉप है ना, आपको इसे वहाँ पर चिपका देना होगा। इससे दोस्तों आपको फ़ायदा क्या हो रहा है, दोस्तों अगर आपसे कोई आपका व्हाट्सएप नंबर मांगता है, आपको उसे अपना व्हाट्सएप नंबर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कहना होगा कि सिर्फ आप इस बार कोड को स्कैन कर लीजिए, आपका नंबर उसके कॉन्टैक्ट में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा और वो डायरेक्ट आपसे चैट कर पाएगा। दोस्तों इस तरह से आप इस QR कोड का सबसे ज़्यादा यूज कर सकते हो। और यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिए रहे हैं, एक माई QR कोड और एक है स्कैन QR कोड। दोस्तों यहाँ पर जो माई QR कोड है ये हमारा QR कोड है, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करेंगे दोस्तों, आप यहां पर आपका दोस्त यहां पर ऊपर में थ्री डॉट पर क्लिक करेगा और यहां पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा। यहां पर आप तो फिर से वो QR कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा और यहां पर स्कैन कोड का ऑप्शन जो मिलेगा उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप यहां पर इस तरह से स्कैन कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो मैंने जैसे ही स्कैन किया और यहाँ पर आप देख सक पा रहे हो बिना नंबर दिए यहाँ पर हम चैट कर पा रहे हैं, हम यहाँ पर उस बंदे से चैट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका दोस्तों ये उपयोग है कि आप नंबर बताने की बजाय किसी को भी अपना QR कोड शेयर कर सकते हो, या फिर अपनी दुकान पर, शॉप पर, अपने बैट में, जैसे आप पेटीएम का QR कोड लगाते हो उस प्रकार से इस व्हाट्सएप का QR कोड लगाओगे तो आपको किसी को भी व्हाट्सएप का नंबर देना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ कहना हो रहा कि आप इसे इस बार कोड को स्कैन कीजिए और आप डायरेक्ट उससे चैट कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पर आपका स्कैन करते ही QR कोड स्कैन करते ही आप उसके कॉन्टैक्ट में, उसके मोबाइल में, उसके कॉन्टैक्ट में सेव हो जाओगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपको ये QR कोड मिलेगा कैसे। दोस्तों ये इसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर आ जाइए और व्हाट्सएप टाइप कीजिए। यहाँ पर इस तरह से व्हाट्सएप टाइप करेंगे और उसके बाद आपको इस व्हाट्सएप को अपडेट करना होगा। अपडेट करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप इसे ओपन करोगे, ओपन करने के बाद ऊपर में थ्री डॉट पर क्लिक करोगे, सेटिंग्स पर क्लिक करोगे, आपको ये QR कोड यहाँ पर शो कर जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।